चलो दैट्स फाइन. आपां शुरू करने हैं अज दा सब तो बेस्ट स्किल दैट इज कॉल्ड अ रीडिंग. मन के चलो रीडिंग दे विच पुत्ता अपने कोले अज की हैगा एक टॉपिक है उहदा नाम है अ न्यूरो साइंटिस्ट रिवील्स हाउ टू थिंक डिफरेंटली. मतलब टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट जे मैं गल करा कि यकीन करो कि अज तो पहले मैं कदे शायद न्यूरो साइंटिस्ट बारे पढ़े ही ना होवे ते तुहाडे जो बहुत सारे बच्चे एवें दे बैठे है जिन्होंने ना ये पढ़िया होगा. कोई मैटर नहीं करता फिर की हो गया. आपां पता है रिवील करना किसी चीज का पर्दाफाश करना थिंक सोचना डिफरेंटली अलग तरीके नाल. मैनू कोई मैटर नहीं करता मेरे को एमसीक्यू आ नहीं एमसीक्यू नहीं तुसी एक बार स्क्रीन दे अपनी चंगी तरह देखे देखियो तुहानू एमसीक्यू पता लगनगे. मेरा मेथड समझाना हूं मैं. फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूरो इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडी विच सीक्स टू. दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द राइटर आइकनोक्लासिस आर डिस्टिंक्टिव बिकॉज. तीसरा क्वेश्चन है ब्रेन वर्क्स एफिशिएंटली बिकॉज. चौथा क्वेश्चन है परसेप्शन इज. हम तुम एक गल ध्यान सुनो यार बहुत सारे बच्चे एवें दे बैठे ने गे जिन्हां नूं इहदे नॉलेज ही नहीं हैगी आ चीज बारे कदे जिंदगी च पढ़े ही नहीं हैगा जिन्हां ने बहुत होणगे. हुण तुसीं इक गल दा ध्यान रखो मेरी गल दा जरूरी नहीं हुंदा कि मैनूं सारियां चीजां बारे नॉलेज होवे. पहली गल कह रहा मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपां नूं एग्जाम दे विच एवें दे मिलणगे तुहानूं पेपर दे विच कि जिन्हां बारे तुहानूं कदे पढ़े ही नहीं होगा तुहानूं पता ही नहीं होगा वी यार आ किस चीज की गल कर रहा है. पर मजा तो यह है टीचिंग भी यही है कि सर सानू एवें समझाओ कि चाहे सानू टॉपिक आंदा है चाहे टॉपिक नहीं आंदा फिर भी आंसर सही किवें जावे मैटर आ करदा है. हुण अज दे मैं यकीन करो मैनू नहीं पता आइकनोक्लास्ट की हुंदे ने मैनू नहीं पता माइक्रो कॉन्फिगरेशन पता नहीं वट एवर एक्स वाई जेड की हुंदा है पर मैं थोनू ट्रिक सिखाउना. देखो बनिया बनाया तो मिलता नहीं पक्या पकाया तो मिलता नहीं आंसर तो उन्होंने ट्रिक बेस्ड बनाया हुआ अपने बिचों कट के लिया आंसर तो पर मैं तुम्हें बिचों क्ढना भी सिखाना. सब तो पहली चीज एक पहला एक कराऊंगा तो उस तो बाद पूछूंगा भी हाँ ओके जो तुम ओके क्या फिर दूजे देऊंगा ठीक है. ये चार एमसीक्यू ने तसली करा दूंगा चारा से टफेस्ट ने. सब तो पहला जो एक क्वेश्चन देखा मैंने कि क्वेश्चन देखने का तरीका भी दसदा तुम्हें किमें देखना होंगेगा. मन के चलो तुसी देखिया भी न्यूरो इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड स्टडी सीक्स टू. हुण तुसी कहोगे भी सर आपां एवें किवें आंसर ते किवें जाणा लोकेशन ते किवें जाणा है. मैं तुहानूं लोकेशन ते जाण दे लई सब तो वधिया तरीका ने सब तो बेस्ट तरीका पता की है पुत्तर कि यू पीपल जस्ट गो ऑन लोकेशन ते कीवर्ड चक लो. कीवर्ड एक वर्ड मेरा क्या है न्यूरो इकोनॉमिक्स दूजा फील्ड तीजा स्टडी. मैं तीन वर्ड मेन चक ली गौर नाल सुनियो ते लाइफ च काम आऊगा स्किल. पहला की चक्या न्यूरो इकोनॉमिक्स दूजा की चक्या फील्ड तीजा चक्या स्टडी. हुण एक गल ध्यान नाल सुनियो तुहानू पूरी रीडिंग दे विच भावें 50 जगह ते न्यूरो इकोनॉमिक्स मिल जाए तुहानू किवें पता लगू भी सर मेरा आंसर तो इस जगह ते पिया है. हुण ये गल दा भी मैं तुहानू दसदा चाहे न्यूरो इकोनॉमिक्स जिन्निया मर्जी जगह ते है कोई मैटर नहीं करता पर जिथे पुत न्यूरो इकोनॉमिक्स दे नाल फील्ड की गल होगी जिथे स्टडी की गल होगी कट्ठी इको सेंटेंस दे विच तिने मिल गए तो उस जगह ते अपना आंसर हैगा. एक सेंटेंस दे विच जिथे आ तिने मिल गए उत्थे आंसर है. ते पहला आपने ना ए नहीं पढ़ना आ ए बी सी डी नहीं पढ़ते अपन ना मैं थोड़ा लेके जाना उत्थे पहला. हूँ चलो ये आप चलते हैं अपने क्वेश्चन दे आ रहे हूँ अपने कोले की आप लेके की आए उत्थों एक चाहिए मैं न्यूरो इकोनॉमिक्स एक चाहिए फील्ड एक चाहिए स्टडी. मैं पहला उत्थे ए बी सी डी नहीं पढ़िया ये गल की गौर रखी तुसीं ठीक है.
ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਕੇਡ ਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅਕਰਡ ਇਨ ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਐਂਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਟਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਓ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਮੇਕ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰੇਸਡ ਟੂ ਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਨਿਊਰੋਨਸ ਇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਦੀਜ਼ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਕੱਲਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਨੋਨ ਐਜ ਨਿਊਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੀਲਡ ਦੂਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਨੋਨ ਐਜ ਨਿਊਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੀਕਰੇਟਸ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੀਕਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੈਟ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੀਂਗ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਫੀਲਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਉਰੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਕਰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਸਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਏ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਡੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਜ਼ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਹਾਓ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਸਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਓ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਆਰ ਮੇਡ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲਾਸਟ ਦੇਖੀਏ ਟਰੇਸ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਨਿਊਰੋਨਸ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਕਾਹ ਦੇਖੀਓ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਓ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਫੀਲਡ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਸਕਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਂਸਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਵਾਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਂਸਰ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਐਂਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਐਂਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼
चलो तुहानू बस एक ट्रिक मैंने दसण दा तरीका यह है कि एक क्वेश्चन की लाइन नू पढ़ो, उस चो दो तीन वर्ड्स नू चको, पूरे पैरे ते जाओ, जिथे तुहानू दो तीन वर्ड मिल गए बस तुसीं उत्थे उहदी दो तीन लाइना पढ़ लो, तुहानू आंसर एक्यूरेट निकलूगा। चलो आपां इह करदे हां, एक बार आंसर नंबर टू देखदे हां, ओवी सिस्टम है, ओवी रूल है, तो तुहानू बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। चलो आ जाओ, तो थोड़ा जा सैकेंड है ना जो थोड़ा टिपिकल है, तो आंसर मैं ताडे तो पुछूंगा, पढ़ाऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे आंसर देगा। चलो ध्यान देखो, मैं तुम्हें यह भी सिस्टम सिखाऊंगा कि आप कीवर्ड किवें लभदे होंगे। हुण अकॉर्डिंग टू द राइटर कोई कीवर्ड नहीं है, कोई मतलब नहीं है यदा कीवर्ड नाल। आइकनोक्लास्टीज, हाँ यह कीवर्ड है, एक आइकनोक्लास्टीज ते एक डिस्टिंक्टिव। अपने को दो कीवर्ड आए ने, एक कीवर्ड आ गया आइकनोक्लास्ट ते दूजा कीवर्ड आ गया अपने को डिस्टिंक्टिव। दैट्स इट। आवाज आ नहीं रही मेरी, बच्चे ने मैसेज करा आवाज नहीं आ रही। सुखदीप थम्स अप करी, आ रही है कि ना आ रही है आवाज? ओके आ रही, आ रही है, ठीक है जी, ओके। सरबजीत कौर नहीं आ रही, पता थोड़े को सैटिंग हिलदी है, मेरे को ओके है काम, ठीक है डन। चलो आपने लोकेशन से जाने के लिए की चीजा देखना है पुत्र, नंबर एक मैं लभना है आइकनोक्लास्ट। हुण तुसी कहो भी सर आइकनोक्लास्ट तो 50 जगह से होगा, बस दिमाग पुत यह गल का रखियो, जिथे आइकनोक्लास्ट के नाल डिस्टिंक्टिव आ गया उस जगह नूं आपां लोकेशन मन्नांगे, तो अपना आंसर है जिहड़ा उत्थे होगा। तो आपां इन्हां नूं पहलां नहीं पढ़ते, आ नहीं पढ़ते आपां पहलां, यह रूल नहीं है। चलो आज लोकेशन से जाइए आपां, हम मान के चलो देखो आइकनोक्लास्ट तो उरे है पर आइकनोक्लास्ट के नाल मैं उरे डिस्टिंक्टिव नहीं मिलिया, तो डेफिनेटली आता मैं सीख गया कि मेरा आंसर एवें नहीं आता। हुण मैं उत्थे जाना है जिथे आइकनोक्लास्ट लिया दे मैं डिस्टिंक्टिव। एग्जाम्पल दिस डेफिनेशन मैं बड़ा वधिया करके पढ़ा के खुश हाँ, लो अज दिले दिल ला देने आप। This definition implies that iconoclasts, आपको एक मिल गया word, are different. एक गल होर याद रखियो, मैं तुहानू दसा different ते distinctive एक ही होंगे ने, पर इह च distinctive भी दिता होया। iconoclast है जिहड़ा बच्चे are different from other people, दूजे लोगों तो, but more precisely it is their brain that are different in three distinctive ways। मतलब कि आ दा शोर है कि आ डिस्टिंक्टिव मिल गया सीगा, आ शोर है आ आइकनोक्लास्ट मिल गया सीगा। मतलब मुख दी गल की है बच्चे कि आपां ए सिख गए कि लोकेशन ते किवें जाणेगा, आइकनोक्लास्ट भी मिल गया डिस्टिंक्टिव भी मिल गया। आंसर की है कहिंदा, हुण ध्यान नाल देखो कहिंदा इट इज देयर ब्रेन्स दैट आर डिफरेंट इन थ्री डिस्टिंक्टिव वेज। तीन डिस्टिंक्टिव वे च उन्हों का ब्रेन है जिहड़ा वह काम करता है, अलग अलग वे च उन्हों का काम करता है, उहदे फंक्शनिंग अलग अलग है। किहड़ी किहड़ी है? एक है परसैप्शन, एक फीयर रिस्पोंस, ते एक है सोशल इंटैलीजेंस। दिमाग तीन तरीके नाल फंक्शन करता है, एक परसैप्शन करता है, एक फीयर रिस्पोंस करता है, ते एक सोशल इंटैलीजेंस करता है। ये चीज आइकनोक्लास्ट कह रहे हैं। बस आ जाओ हुण बोलियो ना, आराम ना पढ़ के देखो, तो यह देख के देखो भी आ तो मेरा है नहीं, तो जो होगा थोड़े सामने निकलना चाहिए। आराम ना पहला पढ़ो, कोई काली नहीं आंसर कढ़ने दी। चलो आप एलिमिनेशन करते हैं, ध्यान अच्छा आंसर आ गए, वाह पहले आंसर देख लिए। एदा जवाक बहुत सियाने ने, क्या करिए इन्ना पैसा ही बहुत है इन्हों को। ध्यान देखो आंसर तो सही है थोड़ा, मैं मानता
मेक डिसीजन इजीली, कोई टॉक नहीं करी, कोई इजीली डिसीजन दी, कोई टॉक नहीं। पर्सनैलिटीज आर डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव तो लिखा सी पर पर्सनैलिटी दी कोई टॉक नहीं करी। दे क्रिएट अनयूजुअल ब्रेन सर्किट, कोई टॉक नहीं करी। ध्यान नाल देखियो, देयर ब्रेन्स फंक्शन डिफरेंटली, उन्हों का जो ब्रेन है वह फंक्शन करता है डिफरेंटली। तो आपको फंक्शन डिफरेंटली कि करता से यह भी आपको पता है पुत, परसैप्शन, फीयर रिस्पोंस, सोशल इंटैलीजेंस। तो एक्यूरेट जो आंसर है अपना बी। चलो आप हम टाइम नहीं वेस्ट करते, एक बार होर मैं अगे सी ते आव, जो सी है पुत ध्यान देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर कोई कीवर्ड नहीं है ये, ब्रेन वर्क्स एफिशिएंटली। तीन चीजा ने जिथे कि ब्रेन की गल मिल जाए, वर्क्स की गल मिल जाए, तो एफिशिएंटली मिल जाए। एफिशिएंटली का मतलब की हो गया कि जिथे जिहड़ा कम माइंड है ना जो बहुत तेजी नाल कम करता है, एफिशिएंटली कम करता है, तो उदी टॉप। इन द क्विकेस्ट वे, यहाँ मैं सिनोनिम यूज किया हुआ है एफिशिएंटली, इन द क्विकेस्ट वे भी कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलो आप लोकेशन पर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं लोकेशन दे जाने की चाहिए, ब्रेन वर्क एफिशिएंटली जा इन द क्विकेस्ट वे मिल जाए, क्योंकि सिनोनिम च मिलूगा आंसर उत्थे। तुसी गौर नाल देखियो, और इन्हें मैंने दिता होगा एक ध्यान नाल देखियो, ब्रेन तो उदो काम कर रहेगा ठीक है, पर मैं हड़े वो जो मेन दूजा वर्ड नहीं मिल रहा, वर्क। चलो जी वर्क भी मिल गया ठीक है जी, तो बाबा जी एफिशिएंटली भी मिल गया, अग्री करते हो। एक लोकेशन ते जाण दे लई सेंटेंसी दा होना बड़ा लाजमी है। हुण आपां पढ़दे हां, दिस इज वेयर मोस्ट पीपल आर इंपेंडेड फ्रॉम बीइंग एन आइकनोक्लास्ट। हुण फॉर एग्जाम्पल आंसर देख रहे हैं, वेन कन्फ्रंटेड विद इंफॉर्मेशन स्ट्रीमिंग फ्रॉम द आईज, द ब्रेन विल इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन इन द क्विकेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, दस हुण ध्यान नाल देखियो, इट विल draw on ये answer है, does it will draw on both past experiences and other source of information। मतलब ये है जेड़ा mind है ना जो काम करता है quickest way च, तो की चीजा ने काम करता है, draw on both कितने कितने past experience च ते other source of information च। बस आप आ चीज देखी है, आ जाओ हम उथे आराम नाल देखो ते आंसर दसो। लो जी मैं कहना स्क्रीन भरती इन्होंने, जेडे हिसाब नाल तुसीं आंसर दस रहे हो, एक ने अरजिंदर कौर कौन है एफ दसता, खैर सुख बिल्कुल सही है थोड़ा आंसर, डी आंसर हैगा, यूजेस आईज क्विकली भी नहीं, डेटा लॉजिकली भी नहीं, जनरेट ऑन एनर्जी भी नहीं। ध्यान देखियो, इट रिलाइज ओ तेरी, अच्छा ड्रॉ ऑन नीचे लिखा पिया चलो, इट ड्रॉ ऑन या इट रिलाइज ऑन प्रीवियस इवेंट्स, प्रीवियस बीत गए इवेंट्स जेडे काम, मतलब के पास्ट एक्सपीरियंसिस दी गल करी है ने, तो एक्यूरेट जेड़ा आंसर बच्चे अपना बन देगा, दैट इज कॉल्ड अ डी। लास्ट क्वेश्चन रह गया, बड़ा डिफरेंट है ते टेस्टी बहुत है, थोड़ा टफ भी है। द राइटर सेज दैट परसेप्शन इज, हुण तुसीं कहोगे सर तुसीं हमेशा कह रहे होगे बे आ कीवर्ड भी नहीं हैगा, आ कीवर्ड भी नहीं हैगा, आ कीवर्ड भी नहीं, आ कीवर्ड तो इको रह गया, आ परसेप्शन कीवर्ड तो होर है ही नहीं ना, क्योंकि लेंथ ही नहीं हैगी कुछ, तो पूरे दे विच आपां नूं एक क्वेश्चन मिले भी जेड़ा परसेप्शन है वह की चीज है, कल खत्म आपां ये लभना है कि जेड़ा परसेप्शन है पुत वह की हैगा, बस दैट्स इट। आ जाओ लभ के दिखाने,
बिल्कुल लास्ट ईयर आंसर दिता हुआ है, ध्यान ना देखियो। परसेप्शन, ठीक है, क्योंकि होर तक कीवर्ड अपन मिलना भी नहीं सी ना। परसेप्शन इज नॉट, नॉट एन नेगेटिव है, गौर नाल देख लियो, सिंपली अ प्रोडक्ट व्हाट योर आईज और ईयर्स ट्रांसमिट टू योर ब्रेन। मतलब की कह रहे हैं, जिहड़ा परसेप्शन है वो कला वो प्रोडक्ट नहीं हैगा जिहड़ा थोड़ियां आईज ते ईयर ट्रांसमिट करदे ने, ये नहीं हैगा। मोर देन ये तो इदू भी ज्यादा, कि तो ज्यादा है, फिजिकल रियलिटी ऑफ फोटोन ते साउंड वेव। बहुत लोगों को ये लगता होना सर उत्ते साउंड वेव भी मिलेगा सानू, फोटोन्स भी मिलेगा, जब बहुत ही लगता होगा सर उत्ते ईयर ट्रांसमिट या आईज ट्रांसमिट भी मिलेगा, पर इन्हें उरे भी देखो नैगेटिव करे नो, उरे क्या मोर दैन कहना, ये तो इदू भी ज्यादा है, कि तो भी फिजिकल रियलिटी ऑफ फोटोन ते साउंड वेव। आओ आंसर दे रहे, ध्यान देखियो, परसेप्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन। जिहड़ा परसेप्शन है ये ब्रेन का एक प्रोडक्ट है, दैट्स इट। आ जाओ हुण उत्ते ते आ गल याद रखियो, फोटोन ते साउंड वेव तो भी मोर दैन है, ज्यादा है, ते आ नॉट है ईयर ते आईज का भी नोट है, कहा ठीक है। आ जाओ हुण आपां उत्ते देखदे, जे थोनू लगता है भी कॉम्बीनेशन ऑफ फोटोन ते साउंड वेव की गल हुई थी तो उन्हें कहा भी मोर दैन, ये तो इदू भी ज्यादा, मतलब कि आंसर तो बन नहीं सकता। जे थोनू लगता है कि सर ये ट्रांसमिट वाला आंसर हो सकता है, सेंस ट्रांसमिट, तो उन्हें नॉट कहता सीगा। जे थोनू लगता है अ प्रोसैस वी आर यूजली कॉन्शियस ऑफ, तो यही टॉक ही नहीं करी, अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन प्रोसैस, तो अपन उत्थे दिता है जिहड़ा परसेप्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन। तो की है ब्रेन का प्रोडक्ट है, तो यह ब्रेन का प्रोसैस है। एक्चुअल च आंसर अपने को सी आ गया, तो मैं तुहाडे मैसेजेस देखा, सारे बच्चे लगभग जिहड़ा आंसर है वह सी ही मैनशन किया होगा। आ जाओ थोड़े गल्लां करिए दो मिनट। हाँ जी, ये उम्मीद करता होगा कि तुहानू माड़ा मोटा कुछ पता लग्या होगा ये बारे, तो मैं तुहानू वो दिना हलो अनम्यूट कर सकते हो, तुसीं कोई भी सवाल है जिहड़ा तुसीं पुछ सकते हो कि मैं तुहाडे लई हाजिर हाँ। एनीवन, कोई है सवाल किसी का? सैंडी कुछ पता लग्या पुत्र? सैंडी म्यूट हटाइयो। अच्छा हट नहीं रहा, जस्ट वेट। अच्छा ओ माय गॉड, इधर मैं प्राइवेसी, एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा पैसे लाते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, सारी रीडिंग का वधिया पता लगा, लगया पता ठीक सी माड़ा मोटा कुछ? हाँ जी हाँ जी। मनप्रीत मैम, चोपड़ा मैम, हाँ जी हाँ जी, आराम नाल, हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी, सोनिया मैम, सोनिया साहू, हाँ जी सर, कैसा रहा एमसीक्यू का सेशन? सर ये ठीक रहा, बट जो आपने कल रीडिंग दी थी ना, तो उसमें 7 क्वेश्चन के बाद 8 ढूंढ रही थी, तो 7 मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, वो नेक्स्ट जो लिखा था वो उससे ऊपर था, मतलब उससे पहले था, वो 8 का आंसर था, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था मुझे। 100 में से 95% आंसर सीक्वेंस में आते हैं, और 1-2% हो जाता है कि आंसर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज आप समझाते हो आ जाता है, बाद में ढूंढते हैं तो कंफ्यूजन होता है। नहीं, आएगा मैम, आएगा, समझ आएगा। और कोई भी ब्रदर सिस्टर किसी ने बात करनी हो? निधि ने म्यूट कर। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी सर, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਮੈਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕਦਮ? ਜੋਤੀ ਮੈਮ ਆ ਜਾਓ, ਜੋਤੀ
ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਇਆ ਰੀਲੀ ਇੰਜੋਇਡ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਸ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਪੇਪਰ